इंदौर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चाइना की सामग्री का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सपना संगीता रोड पर चाइना की मोबाइल कंपनी के शोरूम में तोड़फोड़ भी की। टावर चौराहे इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने प्रशासन से चाइना के जो सामान है उनकी बिक्री पर रोक की मांग की है। इंदौर में चाइनीज सामानों का विरोध इस तरीके से हो रहा है, ये तस्वीरें देखिए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जो चाइनीज मोबाइल की दुकानें हैं उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई। तो चीन के सामान का किस तरीके से विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर। चाइनीज सामानों का यहाँ पर विरोध किया गया है, चाइनीज सामानों के विरोध में हल्ला बोल यहाँ पर किया है लोगों ने। तो चीन का जो रवैया है उसको देखते हुए बेहद नाराजगी लोगों में। और ये देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर। मोबाइल कंपनी है साथ ही दूसरे अन्य सामानों का जीएस किस तरह से विरोध इंदौर में हो रहा है। यहाँ टावर चौराहे में आज कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सीमाओं पे जिस तरह से तनाव है उसी तरह चीन की सामग्री का विरोध किया जा रहा है। आप देखिए कि चाइना के ओप्पो और वीवो जो मोबाइल कंपनी है साथ ही दूसरे अन्य सामानों का जीएस किस तरह से विरोध इंदौर में हो रहा है। यहाँ टावर चौराहे में आज कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उनका कहना है कि ये चीनी सामग्री है, चीनी मोबाइल है, चीनी कंपनियां हैं, इसलिए इनका विरोध करना चाहिए। देखिए आप किस तरह से आसपास की कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और बेसबॉल और कई प्रकार के जो हथियार हैं इनके हाथों में है और किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ कर इनका विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वाले कई लोग हमारे साथ है, देखिए यही लोग है जो विरोध कर रहे हैं। इनका क्या कहना है, किस किस बात को लेकर विरोध है? हमारे सेना को मारा जा रहा है और वहां पर हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, भारतीय सैनिकों को, और हम इतने गैर जिम्मेदाराना लोग है कि हम उनका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उनका प्रोडक्ट बेच रहे हैं चाइना का। हमें शर्म आना चाहिए हमारे देश के लोगों को कि जो चाइना हमारे देश पे बॉर्डर पे हमारे सेना को मार रहा है और हम उनका प्रोडक्ट खरीद और बेचे। आज किस तरह से विरोध यहाँ किया है? हमने 7 दिन पहले प्रशासन को चेताया था कि आप इन्हें ये दुकानें थोड़े हटवा दो, ये तो हम तोड़ देंगे इसको। इंदिरा संगठन आगे और कार्रवाई करेगा। आज हमने इनके बोर्ड तोड़े, कल हम इनके गाड़ी तोड़ते, मार्च चेतावनी रैली निकाल के इनको अवगत कराएंगे। आगे किस तरह की आप लोगों की एक्टिविटी रहेगी? चाइना और वीवो एप्पो जो प्रोडक्ट है चाइना के, जो ये पूरे देश से बंद होना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। इनका कहना है कि आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। इसमें विरोध के बाद विरोध के पहले ज्ञापन भी दिया था नगर निगम को और पुलिस प्रशासन को, चेताया भी था। इनका कहना था कि यदि ये नहीं हटाएंगे तो आंदोलन उग्र किया जाएगा, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विपिन शर्मा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, इंदौर। रुक करते दिल्ली एनसीआर का। Oh my God, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था हेलो की आवाज भी उसमें आ जाती रिकॉर्डिंग में। अच्छा अभी खबर करके लाया ना, चल गई। तो उसी के मैं क्या कॉपी कर रहा था।